हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेगी स्किल्स। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कोमर मशीन की। पिछली वीडियो में हमने आपको कोमर मशीन के प्रोसेस के बारे में, कोमर मशीन के पुर्जों के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कोमर मशीन के जो पुर्जे हैं उनकी सफाई के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वहां पे होता है फीड रोल की सफाई। कोमर मशीन में फीड रोल की सफाई हर 24 घंटे बाद की जाती है, कहीं कहीं यह सफाई 48 घंटे बाद भी की जाती है। तो कोमर मशीन में जो फीड रोल है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है माल को फीड करने में। अगर उसकी हम सफाई नहीं करते तो माल की लैपिंग शुरू हो जाती है, माल भारी होना शुरू हो जाएगा या ट्रम्पेट पे जाम लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फीड रोल आप देख रहे हैं, ये फीड रोल, उसके अलावा डक्ट है, नीचे डक्ट है, डिटैचिंग रोल है, इन सब की जो सफाई है हर 24 घंटे में होती है। तो आज उस प्रोसेस के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे कोमर में फीड रोल की सफाई की जाती है। कोमर मशीन पर फीड रोल एवं डिटैचिंग रोल की सफाई के लिए सबसे पहले कोमर मशीन को लाल बटन से बंद करें। या ध्यान रखें कि मशीन जब भी बंद हो निप्पर एवं टॉपकॉम आगे की पोजीशन में हो। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि 24 के इंडेक्स पर ही मशीन को बंद करें ताकि निप्पर आसानी से ऊपर उठ सके। मशीन का कवर उठाएं, डफू बाहर निकालें, टॉप आर्म का प्रेशर रिलीज करके टॉप आर्म को पीछे वाली पोजीशन में रखें, टॉप कॉम को बाहर निकालें एवं होल्डर में लगाएं, क्लिप्स प्लेट को ढीला करें, निप्पर को ऊपर उठाकर फीड रोल को बाहर निकालें। फीड रोल को बाहर निकालने के बाद फीड रोल को मूवमेंट करने के लिए जो रेचर्ड गियर लगे होते हैं उनकी सफाई अच्छी तरीके से करें। ये लेफ्ट साइड वाला रेचर्ड गियर और ये राइट साइड वाला रेचर्ड गियर, ताकि ये आसानी से मूवमेंट कर सकें। इसके बाद गन की सहायता से निप्पर और उसके आसपास की सफाई अच्छी तरीके से करें। गीले कपड़े की सहायता से डिटैचिंग रोल को अच्छी तरह से साफ करें। ध्यान रखें डिटैचिंग रोल को प्रेशर सैडल से बाहर ना निकालें। लेप प्लेट को बाहर निकालें, बैक को काटें, एवं डिलीवरी रोल को बाहर निकालें। गन की सहायता से निप्पर के बीच वाली पोजीशन को साफ करें। डिटैचिंग रोल के नीचे की सफाई अच्छी तरह करें। सफाई होने के बाद ध्यान रखें सबसे पहले फीड रोल को बिठाएं, निप्पर को वापस नीचे की पोजीशन में कर दें, क्लिप्स प्लेट को वापस टाइट करें, टॉप कॉम को बिठाएं एवं लॉक अच्छी तरह से चेक करके लगाएं। टॉप कॉम का लॉक जब भी लगाएं तो यह ध्यान रखें कि एक कट की आवाज अवश्य आएगी, जिससे कि यह निश्चित हो जाता है कि लॉक लग चुका है।
कोई भी टॉपकॉम ढीला ना रहे। बैग को आगे करते हुए लेट प्लेट को वापस बिठाएं। टॉप आर्म को वापस बिठाएं। डिलीवरी रोल को वापस लगाएं। डप्पू सफाई के बाद मशीन में लगाएं। कवर बिठाकर पिंचिंग वाले बटन से मशीन को धीरे धीरे चालू करें। तो यह था कोमर मशीन में फीड रोल सफाई करने का सही तरीका। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।